हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज हम लोग का पेपर है कंपाइलर डिज़ाइन का। ये लोग पढ़ाकू बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हमको छोड़ के चले आए थे भाई। क्यों छोड़ दिए थे? नहीं छोड़ के अरे झूठ बोल रहे हैं, कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठ। तो गाइस अभी माहौल एकदम पढ़ने वाला है। हम लोग तो केवल पेज भरने वाले लड़के हैं, केवल पेज भरते हैं, केवल पढ़ते हैं। मेरे दोस्त बताओ पेपर कैसा गया? ठीक है यार। भाई सभी लोग बताओ पेपर कैसा गया। अजीत भाई पेपर कैसा गया? एकदम बढ़िया। देखो सबका पेपर एकदम बढ़िया गया। सब लोग पढ़ाते हो, सब लोग पढ़ते हो, देख रहे हो। अनुभव भाई कुछ बोलना चाहोगे पेपर के बारे में? My day has been ruined. My life is totally fucked up. अच्छा जाता है लेकिन नंबर सबका कम आता है। तो चलो अभी घर पहुँचते फिर बातें करते हैं। तो है गाइस अभी रात के 9 बज रहे हैं और बात ये आपको बतानी थी कि अगर आपके पेपर में अगर कुछ ऐसा नहीं आता कि जो आप पढ़े हैं या फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो जो मैं टिप फॉलो करता हूँ मैं वो बताता हूँ, और आप जो करते हैं वो कमेंट कर देना। कमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं कमेंट सारे रीड करता हूँ। तो बेसिकली अगर आपको मेरा ये टेक्निक पसंद है तो आप भी फॉलो कर सकते हो। तो टेक्निक ये है कि मैं तो खाली क्वेश्चन नहीं करता हूँ। अगर मेरा पेपर अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब पढ़ा नहीं हूँ इतना, या फिर ऐसा सीन रहता है, समझ रहा हूँ ना कि क्या है, आप भी मेरे तरीके एक स्टूडेंट हो, तो क्या करता हूँ कि मैं पेज भरने वाली टेक्निक पे वो भरोसा करता हूँ फिर कि यार एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस पर कम से कम 3.5 पेज या एवरेज 3 पेज भर जाए, 3 से 3.5 पेज इतना भर ले, और डायग्राम हो सके डायग्राम, नहीं तो पॉइंट्स और हेडिंग्स इतना भाई एकदम बेहतरीन करके लिख देता हूँ ताकि जो है कम से कम स्टेप मार्किंग मिल जाए। अगर एक क्वेश्चन में अगर 1.5 मार्क्स से 2 मार्क्स भी मिलता है तो करीब 55 से 60 आराम से पा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेंटेलिटी भी एकदम ठीक है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के आए हैं और दिमाग नहीं काम कर रहा आपका, जो आप पढ़े हैं वही लिखिए, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से लिखिए। ये टेक्निक बेस्ट है और आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। वैसे आप क्या फॉलो करते हैं अगर आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन आती है? फिलहाल इस कंपाइलर डिज़ाइन वाले पेपर में मेरे साथ ऐसी सिचुएशन थी, बहुत कम क्वेश्चंस मेरे मतलब कि वो फंसे थे और बाकी तो फिर ऐसे ही किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप अभी तक देख रहे हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम गाइस, बाय।